क्या आप रात में फ़ोन चलाते हैं? अगर आप रात में फ़ोन चलाते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि रात में जो हम फ़ोन चलाते हैं तो उससे हमारे आँख पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। जो हमारे फ़ोन के स्क्रीन से नीली नीली लाइट निकलती है उससे हमारे आँख पे बहुत ही ख़तरनाक प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारी आँख ख़राब भी हो सकती है। तो इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए मैंने एक ऐप खोजा है, मैंने ढूंढा है, जिसको डाउनलोड करके आप सिंपली क्या करेंगे कि अपने फ़ोन के स्क्रीन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, और अपने हिसाब से एडजस्ट करने के बाद आपको फ़ोन चलाने में दिक्कत नहीं होगी। आपको दिक्कत तो ऐसे भी नहीं होती होगी, पर अगर आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं और उसको अपने हिसाब से फिक्स कर लेते हैं तो क्या होगा कि मतलब जो आँख पे गहरा प्रभाव पड़ता है रात को फ़ोन चलाने से, वो आपको नहीं होगा। और इसको मतलब आप एनी टाइम ऑन ऑफ़ कर सकते हो, मतलब आपको जब ज़रूरत हो तो ऑन कर लो, जब ज़रूरत हो तो ऑफ़ कर लो। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सीधा प्ले स्टोर पर जाना है और पासवर्ड लगाया, मैंने पता ही होगा आपको। तो आपको प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है स्क्रीन की स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, स्क्रीन के बाद आपको डीमर, स्क्रीन डीमर फॉर नाइट, ये वाला आपको सर्च करना है। और इसको सर्च करने के बाद आपको ये दिख रहा होगा ब्लू लाइट फिल्टर, ब्लू लाइट फिल्टर, ये आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, ब्लू लाइट फिल्टर नाइट मोड नाइट शिफ्ट, इसको आप डाउनलोड करके सीधा ओपन कर लीजिए और मैं आपको बताता हूँ। और मैंने ये पहले से डाउनलोड कर लिया है, मैंने इसको भी ऑन करके देखा नहीं है, तो सीधा मैं आपको दिखाऊंगा एकदम, मतलब नया नया एक्सपेरिमेंट, मतलब ताज़ा ताज़ा, मतलब ये नहीं कि मैंने पहले से ही ऑन करके चेक कर लिया हो, मैं आपको एकदम साफ साफ दिखाऊंगा बताऊंगा। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, और ओपन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आया है और जिस पे ऑन ऑफ़ का बटन बना हुआ है, ऊपर मून है, तो हम इसको ऑन कर लेते हैं। और ऑन करने के बाद कुछ ऐसे आता है नाइट मोड, और यहाँ पे ऑन ऑफ़ का ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम इसको अभी ऑफ़ कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो चलो, आपको समझ में आ ही गया होगा, तो इसको हम ऑन कर लेते हैं। अब ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं कि पूरी स्क्रीन की क्वालिटी जो है, लाइट पूरी चेंज हो चुकी है, आप देख सकते हैं। देखिए, इसको मैं ऑफ़ कर रहा हूँ, चेंज होगी पहले जैसी नॉर्मल। इसको मैं फिर से ऑन करता हूँ तो ये मस्त सा हो गया, और इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर दो, जैसे इंटेंसिटी, तो इसमें आपको ये 30% पे, तो अभी इसको आप बढ़ा दोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, और इसको कम कर दोगे तो देखो 0% पे नॉर्मल पहले जैसा हो गया। तो आप इसको पहले 30% पे था, हाँ, तो 30 पे करके देखते हैं। अभी आपको ज़रूरत के हिसाब से, आप मेरे हिसाब से यार ये 54 ये अच्छा है, हाँ ये अच्छा है। और इस पे क्या दिया, रिलैक्स एंड स्लीप वेल, अब ये क्या है मुझे ये तो नहीं पता, छोड़ो इसको, ये नहीं काम आएगा, प्ले स्टोर से अवेलेबल है। और स्क्रीन डिम, इसको देख लेते हैं ये क्या है। हाँ, ये स्क्रीन लाइट कम और ज़्यादा करने के लिए, ये भी रात में आपको बहुत काम आएगी। यहाँ देख सकते हैं, मतलब स्क्रीन मैंने पूरी, मान लीजिए मैंने इसको पूरा बढ़ा के रख लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको 54% पे कर दिया है, और यहाँ पे मैंने स्क्रीन डिम को देखिए, मैं ऐसे कर सकता हूँ, मतलब नॉर्मल, कितना अच्छा, मतलब मस्त हो गया। और सेट ऑटो टाइमर, अगर आप इसको ऑन कर लेते तो यहाँ पे आपको टाइम दे रहा है, जो कि ये अपने आप ऑन ऑफ इस टाइम पे हो जाएगा। जैसे ऑन दिया है 10 PM, तो ये 10 PM पे ऑन हो जाएगा, और ऑफ़ दिया 7 AM, तो ये 7 बजे, फिर मतलब 7 बजे सुबह ये अपने आप ऑफ हो जाएगा। और यहाँ पाउस 60 सेकेंड फॉर ऐप इंस्टॉलेशन, ये पता नहीं है, समझ में नहीं आया मेरे को। और यहाँ पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे मतलब नोटिफिकेशन आ चुका है, तो ये अभी ऑन है, इसको हम अगर ऑफ़ कर देते हैं तो यहाँ पे वो नहीं है, तो मतलब क्या है मुझे ये नहीं पता भाई। अभी ऑन हो गया, अब हो गया ऑफ। अच्छा, नोटिफिकेशन बार, वो समझ, वो जो नोटिफिकेशन ऊपर, जो जहाँ पे मैंने मतलब जहाँ आपका बैटरी परसेंटेज और उसके बाद है वो नेटवर्क आइकन है, और टाइमिंग दिखा रहा है, डेटा कनेक्शन स्पीड दिखा रहा है,
उसको भी चेंज करने के लिए, तो इसको भी चेंज कर ही देते हैं। और यहाँ पे आपका हो गया, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, बहुत ही अच्छा ऐप है। और इसमें और भी ये दिया हुआ है जो कलर टेम्परेचर करके है, तो ये एक मून जैसा है। अब मून मून से हटाकर हम अगर कैंडल पे लगाते हैं तो कुछ इस तरह का ऑप्शन हो जाता है। अब इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करके देखते हैं ये कैसा है। मतलब ये भी मस्त है भाई, ये भी मस्त है, एकदम अच्छा था। और ये इसको हम करके देखते हैं डाउन का, ये भी बढ़िया है। इसको करके मतलब अलग अलग फीचर्स भी दिए हुए इसमें, ट्री या मस्त है भाई। वैसे ये मून वाला ही अच्छा है, तो आप इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हो। देखो मैंने इसे ऑफ किया है, क्या हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और भी सेटिंग्स, ये क्या है देखते हैं इसको भी। ऑटो स्टार्ट है, ऑटो स्टार्ट भाई ये हमारे काम की नहीं, हम तो सीधा यूज़ करना है इसको, छोड़ो। यहाँ पे सेटिंग्स में देख लेते हैं, क्या पता कुछ काम का मिल जाए। नोटिफिकेशन बार, नहीं, ये जो एज ये प्रॉपर्टी एड्स है इसको भी ऑन मत करना, वरना फालतू फालतू के एड्स आते रहेंगे। तो फिर ये नोटिफिकेशन बार को हम कर देते हैं ऑफ़, फ़ायदा नहीं है कुछ, ऑन कर लेना। तो भैया अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर सब कर दो यार, प्लीज़ विनती है भाई आपसे। तो फिर भैया मिलते हैं, चलिए अगली वीडियो में फिर कभी।